हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग। हाँ जी, हम आ गए हैं अपनी किचन में दोबारा से, और आज हम बनाएंगे वेज। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताया था मुझे कि आप नॉन वेज की डिशेज बना रहे हो, तो कुछ वेज का भी कुछ बनाओ। तो आज ये मैडम वेज बनाएंगी। स्पेशली उन लोगों ने जिन्हें हमें मोटिवेट किया कि अब हम और डिशेस बनाएं, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं कुछ वेज, कुछ अलग चिकन से। चलो चलो अभी जी। अभी आपको पहले दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स और फिर दिखाएंगे आपको सारा कुकिंग, ठीक है जी? ले लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। आज हम बनाने जा रहे हैं डिश, उसका नाम है मैश पोटैटोस विथ पनीर एंड वेजेस। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटोस। मैंने 3 to 4 बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं। अब हम इनको करेंगे मैश। वैसे हम रेगुलर हैंड से मैश करते हैं, बट हमें ये प्रॉपरली मैश चाहिए ताकि इनमें लम्स ना रह जाएं, तो इसलिए मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मैश हो। मैंने इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से मैश हो और प्रॉपरली एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाए हमें मैश पोटैटो की। अब हमारे आलू हो चुके हैं अच्छे से ग्रेट। अब हमें डालेंगे सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। कैरी कहते हैं ना, स्वाद अनुसार। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं बोलना। अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट, राइट। चलो जी, सॉल्ट डाल लिया हमने। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ऑलमोस्ट 1/4 स्पून। ठीक है जी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिज्जा सीजनिंग। दिख रही है पिज्जा सीजनिंग? ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग फ्लेवर के लिए, 1/4 स्पून से भी कम। देन वी विल ऐड चिली फ्लेक्स, 1/4 स्पून। ठीक है जी। और अब हम इसको सबको कर लेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सारे आलूओं में मिक्स हो जाए। अब हमने अपना पैन कर लिया है ऑन, गैस चला ली है, इसमें ऑलमोस्ट 1/2 स्पून ऑयल डालना है। अब ऑयल डाल के हमने इसको करना है ब्रश। ब्रश इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारी तरफ अच्छे से लग जाए ऑयल। अब हमने जो पोटैटोज मैश किए हैं अच्छे से, उनको हम डाल देंगे इस पैन में। गैस कर देंगे हम सिम, क्योंकि पोटैटोज वरना चिपकेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, 2-4 मिनट पकाएंगे अच्छे से। आप देख रहे हो इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है पोटैटोज का, ये हल्के से लाइटिश ब्राउन से शेड में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारे पोटैटोज ऑलमोस्ट कुक होने वाले हैं। वैसे तो हमारे बॉयल्ड ही पोटैटोज थे, बट स्टिल इनको वो ऑयल वाला फ्लेवर देने के लिए, कि थोड़ा इनका क्रिस्पी फ्लेवर हो जाए, तो हमने इनको थोड़ा सा पका लिया है। अब हम गैस कर देंगे ऑफ। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट 1 स्पून ऑयल डालेंगे, और इसको भी सारी तरफ अच्छे से कर देंगे हम ब्रश। अब हमने पनीर, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, ऑलमोस्ट 1/2 इंच के क्यूब्स में काटा हुआ है, उसको हम इस पैन में डाल देंगे ताकि पनीर थोड़ा रोस्ट हो। आप देख रहे हो ये पनीर थोड़ा थोड़ा रोस्ट होना शुरू हो गया। अब हम पैन में इसके साथ ही हमने ब्रोकली रखी है छोटी छोटी काट के, हम इसमें ब्रोकली और रेड येलो एंड ग्रीन बेल पेपर, तीनों हमने स्क्वेयर में ही काट के रखी हुई है, हम इसमें डाल दिए। अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्टी भी लगता है। आपने तो खाया होगा। कलरफुल सब्जियां। हम इसको तेज गैस पर ही पकाएंगे, हम गैस सिम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अपनी वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है।
क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पक जाएंगी तो इनका जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम इसको तेज गैस पर ही पकाएंगे ताकि ये हल्का सौते हो जाएंगे सारी वेजिटेबल्स भी और हमारा पनीर भी। अब आप एक दो मिनट बाद देखोगे हमारा पनीर है वो हल्का हल्का ब्राउन कलर लेने लग जाएगा। अभी तो वाइट ही है, एक दो मिनट बाद देखोगे तो ये हल्का हल्का ब्राउन शेड लेने लग जाएगा। अब देखो हमारा पनीर अब हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया। ये देखो ये रोस्ट होने लग गया, इसी तरह ये सारे पीसेस थोड़े थोड़े रोस्ट होने लग गए। बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। जैसे ये रोस्ट होने लग गया अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार और गैस को हल्का सिम कर देंगे एक मिनट के लिए जब तक हम इसमें सारी सीजनिंग डालते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर 1/4 स्पून और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन गार्लिक। ये हम बाद में इसलिए डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर ख़राब ना हो, क्योंकि जब गार्लिक ओवर कुक हो जाता है ग्रीन गार्लिक तो इसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता। अब हम इसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट दोनों डाल दिया और गार्लिक भी डाल दिया। गैस हमने सिम पे ही रखी है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक मिक्सचर बनाएंगे 1/4 स्पून सोया सॉस, 1/2 स्पून टोमेटो सॉस और 1/4 स्पून से थोड़ा सा कम हनी। डाबर हनी हम यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप वाटर का। अब हमने जो ये मिक्सर तैयार किया है इसको अब हम अपने सब्जियों में डाल देंगे। मस्त लग रही है, देखना है। मस्त लग रही ना, खाने में भी बहुत मस्त लग रही। हमने अपनी गैस को तेज ही रखना है, सिम पे नहीं करना है। अब आप देखो इसको ये ऑलमोस्ट बबलिंग होने लग गई है और हमने बहुत थोड़ा सा वाटर डाला था तो ज्यादा हमें सुखाने की भी जरूरत नहीं है। ये इतनी ग्रेवी हमें चाहिए ही चाहिए अपने डिश के लिए। तो बस अब हम यहाँ पे कर देंगे गैस ऑफ और फिर हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। अब जो हमने अपने मैश पोटैटोज डाले थे वो अब हमने अपनी ट्रे में डाल लिए। अब इसके बाद हमने जो अपनी वेजेज और पनीर का मिक्सचर बनाया है, जो सब्जी बनाई है इसकी अच्छी सी, अब हम इसको डाल देंगे इसके साथ ताकि जो हमने हल्की सी ग्रेवी रखी है इसकी वो मैश पोटैटोज के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। देख रहे हो आप कितनी गर्म गर्म कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अब हमारी डिश हो चुकी है रेडी। तो आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी, क्योंकि रेगुलर हम रोज वही खाना खा के वही सेम रोटी खा के बोर हो जाते हैं। तो हमेशा कुछ चेंज लाइफ में अच्छा रहता है, लाइफ को अच्छा रखता है, तो ये उस चेंज के लिए है। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। थैंक यू सो मच। तो गाइस अपनी हो चुकी है आज की डाइट रेडी, आपने देख ही लिया है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो अच्छी होगी ही होगी क्योंकि मैं पहले खा चुका हूँ, आपके लिए बनाई थी अभी। चलो अभी हम करते हैं डिनर और इसमें जो हमने बनाया आपने देखा है पोटैटोज हैं, वो आपके काब्स हैं, चीज़ है, पनीर, प्रोटीन्स हैं, ब्रोकलीज हैं, वेजेज हैं, ये सब आप फाइबर हैं और ये आपकी कंप्लीट मील है, आपकी पूरी कंप्लीट डाइट है और अच्छी वाली डाइट है। इसमें कुछ भी अलग से मतलब फैटी नहीं है कुछ भी। ये आप रात को भी खा सकते हो और दिन में भी कभी भी एनी टाइम खा सकते हो। जरूर ट्राई करना और बनाना और कमेंट्स में बताना आपको ये डिश कैसे लगी और आप बताओगे कमेंट में हमें अच्छा लगेगा। तो ठीक है जी, अभी करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड और हमारी जिंगल वाला बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो आए और आपको पता चल जाए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें। और आज जैसा जल्दी सो गया है, आया नहीं किचन में भी, एक्चुअली लेट हो गए थे थोड़ा सा,
उसकी तरफ से भी गुड नाइट और टेक केयर, बाय बाय।